सुना एक बार प्रतापगढ़ में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, अब ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर रोड शो कर रहे हैं, ताकत का एहसास जनता को साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को और विरोधी पार्टियों को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री हैं और जगह जगह रोड शो के दौरान उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, माला पहनाकर राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले साफा सम्मान के प्रति साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे चुनावी सीजन है और ऐसे में मतदाताओं को रिझाने में तमाम पार्टियां और उन पार्टियों से ताल्लुकात रखने वाले तमाम दिग्गज जुटे हुए और इसी कड़ी में राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। चुनावी प्रचार में घर घर गली गली जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां राज्यवर्धन सिंह राठौर का स्वागत किया जा रहा है। विशाल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राजस्थान इस सम्मान के प्रति पगड़ी उन्हें पहनाई गई थी और तमाम जो कार्यकर्ता उनमें खासा जोश नजर आ रहा है। सांभर लेक से ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है। इस चुनावी दंगल में हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हमारे बीच में आए, जोरदार तालियां। इस शुभ अवसर पर हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय गौतम जी, आगरा से पधारे हुए आदरणीय हमारे विधायक जी भाई आशीष जी गर्ग, हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, सभी सरपंच, बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में आपने विधानसभा भेजने का काम किया। पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, इस तरह की अफवाहें कांग्रेस के लोगों ने उड़ाई कि ये ऐसे हो जाएगा, तहसील चली जाएगी, ये वो हो गया, राणा हो गया, डिमका हो गया। और इस बार 2013 में आपने भारी बहुमत से मुझे जिता के भेजा और सरकार ने आपका काम किया और सामर को अपना खोया हुआ गर्व अगर देने का काम किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार ने दिया है। पर्यटक सर्किट में अगर लाने का काम किया केंद्र सरकार की योजनाओं से, माननीय सांसद साहब आपके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चाहे नई बिल्डिंग्स हो, चाहे नए हेडक्वार्टर्स हो, चाहे यहाँ की भौगोलिक सुविधाओं का विस्तार हो, किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बोलने के लिए 1000 बातें हैं, चाहे गाँव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे कोई ढाणी हो, कहीं भी जगह जहाँ विकास नहीं हुआ हो, हमें कांग्रेस वालों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जवाब उनको देने के लिए जरूरत है। 2000 राम चुनाव आया, 2013 में हमारे पार्टी में आ गए और 2018 में वापस भाग गए। 50 साल का विकास अपना एक तरफ है और दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि 27 को भारतीय जनता पार्टी को अगर सामने से इस बार बहुमत कम मिलता है तो ये निराशा की बात होगी। इतना सब कुछ सामर को देने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो बहुमत मिला है तो सामर की जनता को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। जो जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की अफवाह है, उनको खारिज करके और इतिहास रचने की आवश्यकता है कि ये तो केवल 5 साल का डगर था, 5 साल और मिल गए तो हम जिले की राह पे भी आगे चलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा तो आगामी 5-7 तारीख को भारी मतों से भाजपा को जीता है और सामने वाले प्राणी जीतेंगे तो कहां जाएंगे, हारेंगे तो कहां जाएंगे, मिलने का मैं आपको खुले रहे मिलूंगा। भेदभाव नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी दूसरी जाति का हो, सबके लिए समान समानता है, आपसी भाईचारा बना रहे, शांति बढ़े। अगर अभी बने नहीं है एमएलए और शांति चालू कर दी, आप सब लोग गवाह हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको एक एमएलए चाहिए तो मुझे बनाना, वो चाहिए तो भाई उधर बनाना। आपसे इतना ही निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर विकास की नगर पे, और मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री जानता हूं। 2014 जब चुनाव में आया पहली बार तो एक बड़ा
यहाँ पर उसका नाम था नरेंद्र कुमावत। बिल्कुल सरल व्यक्ति, मेरे विषय भी उम्र में कम, राजनीति का तजुर्बा और ज्यादा, सबके नाम अब उनकी उंगलियों पे रहते थे। यहाँ आता था तो सबसे नाम से मिलाते सबको, पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हो या नहीं जानते हैं। जाना हुआ व्यक्ति ज्यादा बेहतर है या अनजान व्यक्ति ज्यादा बेहतर है? जाना हुआ व्यक्ति है ना, काम निकलवा लेंगे, जानते हैं, निकलवा के निकाल लेंगे, तो मुझे भी जान गए। केंद्र सरकार में सांसद अपना, यहाँ पर विधायक अपना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई, जिंदाबाद। क्या हुआ, क्या बता, क्या हुआ कि 5-6 महीने पहले हम सब काम में लगे थे कि किस तरह से योजना को पहुंचाए, आंकड़े पूरे करने थे, मैं काम करना था। कुछ लोग बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे उस समय, वो फ्री लोगों ने शुरू करा ये पूरा का पूरा एक पूरा ड्रामा शुरू करा कि भाई 2019 में तो जिता लेना मोदी जी को, लेकिन 2018 में हमें जिता देना, इसका एक कुछ शुरू करा। क्या बोला था कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ऐसा ही सुना कि राजस्थान सरकार का काम नहीं करा। मैं सुनाऊं क्या क्या काम करा, आप सब मोबाइल ऑन रखना, रिकॉर्ड कर लेना, किसी दोस्तों को भेजना, ठीक है। पिछले 50 साल पूरे राजस्थान के अंदर सड़कें बनी 7,000 किलोमीटर, कितनी? 7,000 किलोमीटर। पिछले 50 साल में, पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में भाजपा सरकार और आपकी सरकार ने बनाई 8,000 किलोमीटर के रास्ते। कहां 50 साल के अंदर 7,000 किलोमीटर और कहां 5 साल के अंदर 8,000 किलोमीटर। काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, मन होना चाहिए काम करने का। पिछले 50 साल के अंदर स्कूल, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं आगे बढ़ाने के लिए, भेजते नहीं, स्कूल होना चाहिए तो भेजेंगे ना। अब मैं बताता हूँ, पिछले 50 साल के अंदर राजस्थान के अंदर बने 4,500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कितने? 4,500 पिछले 50 साल में। पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए 6,500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितने? कहां 50 साल में 4,500 और कहां 5 साल के अंदर ही 6,500। काम हुआ या नहीं हुआ? काम हुआ? अच्छा, पानी सांभर में तो खूब पानी है यहाँ पर, लेकिन इस पानी को और भरना भी है, मुझे पता है। पानी जितने गांव और ढाणियों को जोड़ा, जितनी गांव और ढाणियों की पाइपलाइन से जोड़ा, वो मैं बताता हूं, पिछले 50 साल के अंदर 5,000 गांवों और ढाणियों को जोड़ा यहां पर जो जितनी भी सरकारें थी, पिछले 50,000 कितनी? 5,000 कितनी? 5,000। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में जोड़ी 10,000 गांव और ढाणियां, कितनी? एक बार दिल पे हाथ के मुझे बताइए, सोच के ईमान से बताइए, चाहे कांग्रेसी हो चाहे वो, ईमान से बताइएगा, देश की राजनीति ने जो नई दिशा ली है, जिस तरह से घर घर गांव गांव तक गैस के कनेक्शन पहुंच रहे हैं, घर प्रधानमंत्री आवास योजना गांव गांव तक पहुंच रही है, जिस सच्चाई से काम हो रहा है, जिस ईमानदारी से काम हो रहा है, जिस तरह से बिचौलियों को खत्म करा जा रहा है, ये दिशा ठीक है या नहीं? कुछ बोला ठीक है या नहीं है? ठीक है, दिशा ठीक है ना? इस दिशा पे आगे चलना चाहिए या रास्ता बदल लें? अब चलना चाहिए तो समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को सांभर का पूरा है या आधा है? इधर वाले थोड़े चुप बैठे हुए, एक मिनट, सब शांत हो जाओ, सिर्फ इधर वाले भाई, पूरा समर्थन है या आधा समर्थन है? ये बात है ना, तो देख ले सांभर ने कि पूरा समर्थन है भैया, पूरा समर्थन। अब जब पूरा समर्थन है
2019 के अंदर तो सिर्फ आधा चुनाव है। आधा चुनाव इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही सदन का चुनाव है, लोकसभा का 2019 में। राज्यसभा भी तो है, वहां पर कोई कानून पास होता है तो लोकसभा से तो तुरंत पारित हो जाता है क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत से नहीं जाने देंगे। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, आप जब निर्मल जी को चुनोगे तो निर्मल जी चुनेंगे कि राज्यसभा में कौन जाएगा? बोले तैयार हो, पूर्ण बहुमत के लिए तैयार हो, समर्पण के लिए तैयार हो। अब एक एक को 50-50 फोन करने पड़ेंगे, बिल ज्यादा तो नहीं आएगा ना? फोन करने को तैयार हो सबको, जो भी हो, मामा चाचा भांजा सबको जुड़ना पड़ेगा कमल के निशान पे। तो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सुन रहे थे आप। यहां पर प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे और सांभर लेक में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया राठौड़ का यहां जोरदार स्वागत। जब यहां पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी निर्मल कुमावत के समर्थन में रोड शो, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी पूरे दमखम के साथ सड़कों पर उतर रही है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांभर लेक पहुंचे जहां पर निर्मल जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए, वोट मांगते नजर आए। जोरदार कार्यकर्ताओं ने जब यहां पहुंचे राठौड़ तो इनका स्वागत किया, निर्मल कुमावत के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए केंद्रीय मंत्री। और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और आगे भी चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार आती है तो काम करवाना कितना आसान होगा और कितनी आसानी से आपका काम हो जाएगा उसको लेकर के जिक्र करते नजर आए। लोगों के बीच में जनसंवाद किया, जनसंपर्क साधा और ऊर्जा का संचार करते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशी में।